दोपहर मेडिकल कॉलेज परिसर में एक युवक ने पैरामेडिकल छात्रा पर पिस्तौल से फायर करने का प्रयास किया था। इस मामले में अंततः पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में यश प्राप्त हुआ है, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने दी। खापरकेड़ा निवासी 25 वर्षीय आरोपी विक्की चकोले ने सोमवार की दोपहर मेडिकल कॉलेज में एक पैरामेडिकल छात्रा पर पिस्तौल से फायर करने का प्रयास किया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की खोज में जुटी हुई थी। इस बीच गुरुवार सुबह पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी बीते कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, उसके बिजनेस में नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसने फायरमैन की नौकरी की थी और इसी दरमियान आरोपी और फरियादी के बीच दोस्ती हुई थी, लेकिन इनके बीच भी किसी चीज को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते वो और तिलमिला गया और उसने ये कदम उठाने की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, ऐसा पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने कहा। वही उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी भी जांच शुरू है। 3 दिवसांपूर्वी जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्ये घटना झाली होती आणि एका शिकाऊ पॅरामेडिकल प्रोफेशनल जी मुलगी होती तिला पिस्टल काढून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता ज्या मुलांनी, तर त्या मुलाला अटक करण्यामध्ये नागपूर पोलीसच्या क्राईम ब्रांचला यश आलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आमचे CP सर श्री अमितेश कुमार सर, जॉईंट CP मॅडम, ॲडिशनल CP या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली क्राईम ब्रांचच्या टीमनी या मुलाला आज पहाटे नागपूर रेल्वे स्टेशनवरनं आम्ही त्याला आपल्या ताब्यात घेतलेला आहे। त्याच्याकडे विचारपूस आता सध्या चालू आहे आणि पुढील इन्व्हेस्टिगेशन त्याच्यामध्ये होईल। बता दे की अजनी पुलिस और क्राइम ब्रांच की 6 टीमें में बनाकर विक्की की खोज में कई स्थानों पर दबिश दी गई थी, जिसके पश्चात गुरुवार सुबह रेलवे स्टेशन से उन्होंने विक्की को हिरासत में लिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।